Hello everyone, this is Sayed Jibran. Please download the Hum TV app so that you can watch your favorite dramas on the go. अम्मा जी, आपने 25 कहा था ना? ये तो 2.5 लाख है। 2.5 लाख? 2.5 लाख? एक आध सिफर ज्यादा लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आपने हिंसों के साथ साथ रकम भी दर्ज की थी, उसमें कैसे गलती हो गई? आप अपनी भाभी से बात कर लें, उनकी दुकानों और गोदामों के अगर पेपर्स हम बैंक के पास जमा करवा सके तो काम हो जाएगा। वो वहमी औरत कभी नहीं मानेगी। तेरी इन बेतुकी बातों की वजह से रिजवाना चाची या किसी ने भी मेरा मजाक उड़ाया तो मैं यही बल्ला उठा के ना अपने सर पे मार लूंगी, फिर तुझे ठंड पड़ जाएगी। ए चची की बच्ची, बोले बोल। तुझे पता भी है कि तूने क्या किया है? अगर रिजवाना चची को कुछ भी हो गया तो हाँ, तो क्यों बकवास की है उसने? मेरी दुल्हन के साथ जो बकवास करेगा, मेरी दुल्हन का दिल दुखाएगा, मेरी दुल्हन का दिल तोड़ेगा, मैंने उसका सर फाड़ देना जी, बता रहा हूँ मैं। क्यों खुदाई फौजदार बन रहा है तू मेरा? जरूरत क्या थी ये हरकत करने की? तेरे लिए मैंने तुम्हारा के सर पे बैठ, जब तेरा दिल दुखाता तेरा दिल दुखता तू मुझसे नाराज हो जाती है, जब तू नाराज होती है तो मेरा दिल तेरे से भी ज्यादा दुख जाता है, इसलिए मैंने सर पे मारा, मैंने उसके सर पे बैठ। बोले खुदा की मेरी जिंदगी और मुश्किल ना कर, मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं है, मुझे इज्जत से एक कोने में क्यों नहीं पड़े रहने देता तू? हाँ, मुझे नहीं चाहिए ये बचकाना मोहब्बत, समझ क्यों नहीं आता तुझे? तो सबको जाकर बताएगा कि ये हरकत तूने मेरी वजह से की है, तो सब समझेंगे कि मैं तुझे भड़का रही हूं। बुरा कौन हुआ? बुरी तो मैं ही बनी ना। बोला ना मेरी दुल्हन के साथ इतना ज्यादा प्यार करता है, इतना ज्यादा प्यार। ये पास रख तू अपनी ये मेहरबानी और अपनी ये मोहब्बतें, नहीं चाहिए मुझे। बोला तुझे इतना प्यार करता है, तुझे अच्छा नहीं लगता? नहीं लगता रही अच्छा? नहीं अच्छा लगता। जो हरकत तूने की है, अगर वो तेरा प्यार है तो हाँ, मुझे तेरा प्यार अच्छा नहीं लगता और मुझे तेरा प्यार नहीं चाहिए, समझा? ठीक बोले। अगर रिजवाना चची को कुछ भी हुआ तो मैं कसम खाकर बता रही हूं, मैं सबकी बातें सुनने के लिए और सबकी नफरतें बर्दाश्त करने के लिए यहां नहीं रुकूंगी, मैं चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। We'll be right back.
कैसे? मेरा मतलब है कोई ज्यादा चोट तो नहीं आई, खून ज्यादा तो नहीं बह रहा? बाबा मैं आपको क्या बताऊं, अम्मी को तो होश ही नहीं आ रही, इतना ज्यादा खून बहता जा रहा है उनका। बस आप प्लीज जल्दी से आ जाएं ना, किसी भी तरह करके आप वापस घर आ जाएं। कोमल बच्चे, मैं शहर से बाहर हूँ, बस गाड़ी घुमा रहा हूँ वापसी पे, लेकिन फिर भी एक घंटा मुझे लग जाएगा, आ रहा हूँ। भाई पकौड़े वाले? हाँ जी। मुझे ना 20 रुपए के पकौड़े ने, मैं बहुत भागा हूँ, बहुत ज्यादा भागा हूँ, मुझे बड़ी भूख लगी है। पैसे तो दे दे। पैसे 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 नहीं है, पैसे तो नहीं है। पकौड़े वाले भाई, बगैर पैसों के 20 रुपए के पकौड़े दे देता, बहुत भूख लगी हो अगर किसी के बच्चे को। देख ले, आपको पता हर चीज महंगी है। 20 रुपए के पकौड़े बगैर पैसों के नहीं देता तू, मुझे बड़ी भूख लगी है। बेटा आजा इधर बैठ जा, खड़ी खड़ी थक गई होगी ना, आजा मेरी बेटी, आजा आजा आजा। कोमल देख, तू अपने अब्बा के सामने भोले का नाम ना लीजियो। हाँ तू फिक्र ना कर, ऐसी मार लगाऊंगी उसे कि 4 दिन तक पलंग से कमर नहीं लगा सकेगा, बहुत मारूंगी, फिक्र ना कर तू। ताई जी मैं तो नहीं बताऊंगी, मगर वो अम्मी का तो पता है ना आपको। हाँ यही डर है मुझे, रिजवाना पता नहीं क्या बोलेगी, क्या कहूँ उसे, कैसे चुप कराऊँ। फिर भी माँ जी, कोमल बस 4 टांके लगे हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि कोई फिक्र की बात नहीं है, हम रात में उन्हें लेकर जा सकते हैं वापस घर। तेरा लाख लाख शुक्र। अभी बस ये है कि उन्हें 2 घंटे और लगेंगे, कुछ इंजेक्शन लग रहे हैं और ड्रिप वगैरह, बस 2 घंटे लगेंगे। अरे वो निगोड़ा तो दहलीज पे बैठा रो रहा होगा भूखा प्यासा, ऐसा कर तू घर जा, हम दोनों है ना यहाँ पर, तू घर जा। लेकिन अम्मा जी मैं नुसरत से मिले बगैर नहीं जा सकती, और फिर मुझे अभी तो रिजवाना के हाथ पांव जोड़ने हैं, अल्लाह जाने वो क्या कहेगी। भाभी ताई जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप घर पर चले जाएँ, अब वो भोले भैया का तो आपको पता है ना, बंदरवासे के आगे आके गली में बैठे होंगे। तू ये चाबी ले और तू जा, तू जा ये कागज ले। अच्छा ठीक है, ये तुम देख लोगी कुछ दवाई है? हाँ मैं देख लूंगी। हाँ तू जा जा। चल ठीक है, कुछ भी हो तो फिर आप घर पे फोन कर देना, ठीक है? खुदा हाफिज़। आपको मुझे फौरन फोन कर देना चाहिए था, आप दूर थे हॉस्पिटल से, मैं तो नहीं था, मैं ले आता उन्हें फौरन यहाँ पे। खबर सुनते ही मैं तो परेशान ही हो गया था, लेकिन फिर भी मैं कोमल से फोन पे रابطे पे रहा था। कोमल मेरी बेटी, छोटा छोट नहीं लगी है, मैं देखा है, फिकर ना कर। मुझे बहुत डर लग रहा था जी। नहीं ठीक हो जाएगा। कोमल बाबा कैसी तबीयत है माँ की? रो मत बेटा, सर ये मेरी बेटी है कोमल, और ये हमारी भाभी जी। लगी शाला
हेलो हेलो हाँ नूर बानो, कहाँ थी तू? फोन दो बार बज के चुप हो गया। अम्मा जी मैं जरा सहन में थी। आ गया वो होला खप्ता, आ गया होगा खाक छान कर, माँ को बेइज्जत कराकर रुसवा कराकर। बोला नहीं अम्मा जी, वो तो नहीं आया अभी तक। हाँ क्या अभी तक नहीं लौटा? अरे कहाँ गया होगा खाली हाथ, अब तो मगरिब होने वाली है, भूखा प्यासा, सुबह से कुछ खाया भी नहीं उसने। अच्छा आप फिक्र ना करें अम्मा जी, मैं देखती हूँ। दरअसल मैं आते के साथ ना वो फर्श साफ करने लग गई थी, रिजवाना चाची को लेकर गए थे तो खून गिर गया था। ये भला खप था तुम्हें? आते ही सेहन चमकाने बैठ गई थी, सर के साई की कोई होश नहीं। अम्मा जी सबिया, वो घर चलो, सारी बात बताती हूँ तुम्हें। और ये भोले की तो ऐसी चप्पल मारी करूँगी कि देखते रह जाओगे तुम भी, बेवकूफ कहीं का। चले रिजवाना को अभी थोड़ा वक्त लगेगा। आप साहिर के साथ कोमल को लेकर घर जाइए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। बेटे मुझे इजाजत दीजिए। अरे क्यों बेटा, चाय तो पी के जाओ, चल चाय बनो। चले नहीं, मुझे घर पहुंचना है फिर कभी से। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हारी खुशी। जी अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। चल देख निगोड़ा आया होगा अंदर, खोल दरवाजा। कमाल करते हैं आप कोमल के अब्बा, आपके सामने मेरा सर फटा पड़ा है और आप मुझे से पूछ रहे हैं कि मैंने ऐसा क्या किया कि ये नौबत आई? कमाल है। अरे आपके कहने का मकसद क्या है? मैंने उसे उकसाया है, ये मेरी गलती थी। वाह रिजवाना, मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि हुआ क्या था, बस। अरे होना क्या है, वो पागल है, पागल सर तेरा दीवाना। अरे उसे अपना पागलपन दिखाने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए, उसे तो कभी भी दौरा पड़ सकता है, कहीं भी किसी भी वक्त। नहीं कमल के अब्बा, मैं आपको बता रही हूँ, मैं अब यहाँ नहीं रहने की। ना देखिए, उसने आज मुझ पे हमला किया है, खुदा ना खास्ता कल को आप पे या कोमल। नहीं नहीं भाई नहीं। देखो रिजवाना देखो, अगर इन हालात में हमने हवेली छोड़ी ना तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। बात को समझने की कोशिश करो। आपको मारता ना तब मैं पूछती आपसे। सर फट रहा है मेरा दर्द से, उफ। कहाँ चला गया था तू? तुझे पता है मैंने तुझे कितना ढूंढा? मैं डर गया था। मैं ऐसी हरकतें क्यों करता है कि डर के मार के छुपना पड़ जाए? लेकिन देख अब जो हो गया सो हो गया, बस दो तीन दिन सब नाराज रहेंगे, थोड़ा डांटेंगे भी, लेकिन सब ठीक हो जाएगा अगर तू ठीक रहेगा और अब से कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा।
लेकिन सुन भोले, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं तेरे साथ हूं तुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मार के डर के नहीं भागा था मैं। तू पागल कहीं की समझती नहीं है कि मैं क्यों भागा था। तो फिर पुलिस से लो, पुलिस से पुलिस जल डरती है मेरी मेरी जूती डरती है पुलिस से। तुम पुलिस से नहीं डरता मैं तो तेरी बात से डर गया था। तूने जो बात की थी ना, तूने कहा था कि मैं चले जाऊंगी यहाँ से, मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाऊंगी। जो तूने ये कहा था मैंने डर भी आता, मेरा दिल डक 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 और बोला नहीं डरता किसी से भी, किसी 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 से भी नहीं डरता। वो जो होती है ना लवे डांटो वाली डाइन, उससे भी नहीं डरता। मोटे पेट वाला पुलिस वाला जो डंडे मारता लोगों को, उससे भी नहीं डरता। और अम्मा की जो चप्पल है ना रबड़ वाली जो मेरे पीछे मारती है जोर जोर से, इतनी डर होती है, उससे भी नहीं डरता। और वो जो डॉक्टर का टीका होता है ना लंबा वाला, वो जो इधर लगता है आई, उससे भी डर नहीं लगता। पता किस बात से डर लगता है, तेरे दूर चले जाने से, तेरे नाराज होने से। जब तू मुझे कहती है ना कि बोले मैं चली जाऊंगी तुझे छोड़ के, तो मेरा जो दिल है ना वो कहता है दग 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 दग, मुझे ना तो बड़ा डर लगता है। तू मुझे छोड़ तो नहीं जाएगी ना? ये क्या मैं काकला आ गया मुझे बूट ना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ना तुझे छोड़कर और ना तुझसे नाराज होकर। तेरे अलावा और है ही कौन जिसे मेरी इतनी परवाह। जिसकी जान निकल जाए मेरे जाने के डर से, हाँ कोई है? बीच में इसके उंगलियों में जा परे भोले, बहुत दुख देता है तू मुझे। अरे सबके सामने हल्का कर दिया, जलील कर दिया तूने मुझे। अम्मा पता नहीं मुझे क्या हो गया था, पता नहीं कहां से मुझे ना
आ गया था, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था मुझे, और ये चची भी तो बिला वजह जानबूझ के मुझे गुस्सा चढ़ाती है ना। अरे इतना कुछ करने के बाद भी इतनी अकड़ते थी, ना कोई नदामत ना पशेमानी, और सारा इल्जाम भी उस पे धर दिया बेचारी पे जो सर लेके पड़ी है। बेहया बेहया खुद चची को बेहया कह रही है अम्मा, और बोला कह दे तो क्या 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 मटा जाती है। तुझे कह रही हूँ भैया, तुझे कह रही हूँ खानदान, मार ले जितना दिल करता है, मार ले मुझे जितना दिल करता है मार ले, अपना सारा का सारा जो गुस्सा है ना होता वो निकाल दे। घर वापस आ गया हूँ ना, इसलिए मार रही है ना। आटा ना वहीं पे रहता ना, वहीं पे सारी जिंदगी पड़ा रहता जान गया था, तो फिर इधर बैठ के ना रोटी रहती, हाँ सुबह टी रहती, बोले को याद कर करके। अरे खुदा ना करे कोई खैर का कलमा निकाल मुंह से। अरे बोले तू क्यों करता है ऐसे, मुझे बता। जब भी मुझे ऐसा लगता है ना जैसे मेरा बच्चा ठीक हो गया है, नाप संभालने लगा है, होश में आ रहा है, तभी तो कोई ऐसे उल्टी हरकत करता है कि सब खत्म हो जाता है। क्यों करता है तू ऐसे, क्यों करता है? चल माफ कर दे, तुझे भी माफी मांगी है ना। मैं ना अभी अंदर जाऊंगा, जाके ना दिल ना भी करेगा तो चची से मांग लूंगा माफी, ठीक है मांग लूंगा भाई। हाँ जी भाईजान। माफी मांग रहा है तू? मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि तू कभी किसी से माफी मांगे, अपनी गलती माने। सच बता, किसने कहा है तुझे? सच बता। किसने बताया? मेरी डुलू ने ना, मेरी डुलू ने मुझे कह दिया, पीरू ने मुझे कह दिया कि तू ना घर जाएगा ना तो पहले पहले अम्मा से जाके कहना कि अम्मा मुझे माफ कर दे, और फिर चची से जा। क्या वो बोले? अरे कहां जा? माफी मांग रहा था मुझसे, कह रहा था रिजवाना के पांव पकड़ के भी माफी मांगेगा। भाभी जी माफी मांगने, पैर पकड़ने या शर्मिंदा होने से ये मसला हल नहीं होगा। अरे नुसरत मियां बस रहने दो, मैं सब समझती हूँ। रिजवाना तो पहले ही यहाँ से जाने के लिए परतोल रही, और अब तो बहाना मिल गया भोले की वजह से, मैं सब जानती हूँ। सच बात तो ये है भाभी जी, आपने अभी तक हमें समझा ही नहीं, एतबार ही नहीं किया कभी हम पे। अगर मैं भोले की इस हरकत से परेशान हूं और इसका बाकायदा हल निकालना चाहता हूं तो सिर्फ अपने ही अपनी बीवी के लिए नहीं, आपके लिए भी, बल्कि उस लड़की के लिए भी जिसका मुकद्दर आपने भोले के साथ जोड़ दिया। भाभी जी क्या आप मुझे इतना खुदगर्ज समझती हैं कि इन हालात में अपनी बीवी और बेटी को लेकर आपको अकेला छोड़ के चला जाऊंगा? खुदा ना खास्ता अगर भोले ने अपने भोलपन या पागलपन में आपके साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो। नहीं नुसरत मियां ये बात नहीं है, मैं तुम्हें क्यों गलत समझूंगी, बस ये भोले ने मेरी मात मारती, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। देखिए भाभी जी मेरा यकीन कीजिए, भोले को फिर इलाज की जरूरत है। आपको याद होगा जब भाई जी का इंतकाल हुआ था तो कैसे शदीद दौरे पड़ते थे भोले को, कई महीनों के इलाज के बाद कुछ बेहतरी आई थी। भाभी जी मुझे लगता है कि हमें भोले को फिर उसी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। आप फिक्र ना कीजिए, सब ठीक हो जाए। कोमल के अब्बा आप तो बस उन्हीं के सगे,
हम तो आपके कुछ लगते ही नहीं है। जिसने मेरी जान लेने की कोशिश की, बजाय इसके कि आप उससे बास पुरस करते, उल्टा चले उसको गोद में उठा के डॉक्टर के पास इलाज करा दे। तो क्या क्या करूं? पर्चा कटवा दूं उसके खिलाफ, जेल डलवा दूं उसे? मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने की कोई जरूरत नहीं है। सारे काम धंधे छोड़कर ले चले उसे इलाज करवाने के लिए, और मेरा क्या? मुझे भी तो डॉक्टर ने दोबारा मुआयने के लिए बुलाया था। मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है आपको। साहिर से कह दिया, वो तुम्हें 1 बजे ले जाएगा डॉक्टर के पास मुआयने के लिए, और वापसी पे तुम कोमल को भी कॉलेज से लेती आना। मैं और कोमल आपकी जिम्मेदारी है या उस पराये लौंडे की? अरे हाँ, आपकी तो वाहिद जिम्मेदारी भाभी बेगम और उसका सपूत है ना। अरे मुझे अपने मुलाजिम के सर पर थोपने के बजाय बेहतर नहीं है कि आप भोले को उसके साथ भेज दें डॉक्टर के पास? देखो, ये काम मैं किसी और के सपोर्ट नहीं कर सकता, लिहाजा इसे मेरे ही हाथों होना। वादा किया था ना कि मेरी हर बात मानेगा? और भी बहुत सारे वादे किए थे। वादा किया था, लेकिन उनमें से तो कोई भी वादा ये वादा नहीं था कि नुसरत चाचा के साथ अस्पताल जाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। ये वादा तो किया था ना कि किसी को अब तंग नहीं करेगा। हाँ। कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा। हाँ। कि तू ये सब कुछ तब करता है जब तुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, तुझे दवाई देगा और तेरा गुस्सा कम हो जाएगा। झूठ बोल रही, इतनी 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 लंबी लंबी जोड़ती है, इतनी लंबी लंबी जोड़ती है। भाभी जी बुलाइए ना भोले को, कहाँ रह गया है वो? 12 बजे का वक्त मिला है डॉक्टर से, 11 यहीं बज गए। वो नुसरत नहीं है क्या? ये वही डॉक्टर है ना जिसने एक बार पहले भी, कुछ साल पहले भोले का इलाज किया था? जी, मुझे याद पड़ता है, तेज बुखार ने जकड़ लिया था मेरे भोले को। बाप के जाने का बहुत असर लिया था नन्हे सी जान में, तेज ताप की वजह से बेसुध हो गया था, बिल्कुल बेहोश हो गया था। इस डॉक्टर के इलाज से बुखार तो उतर गया, लेकिन वो दिन और आज का दिन मेरे भोले से असर नहीं गया। भाभी जी आप क्यों भूल रही हैं? ये उसी इलाज का असर है कि हमारा भोला इतना नजर आ रहा है, वरना डॉक्टर ने तो देखते कह दिया था अगर थोड़ी सी भी और देर होती तो हमारा भोला हमेशा के लिए पागल हो जाता। अब भाभी जी, ऐसे दौरे तो भोले को 3-4 साल पहले भी पड़ते थे, और फिर भाभी जी आप वो वाक्य कैसे भूल सकते जब गली के चौकीदार को भोले ने मार मार कर उसका बाजू तोड़ दिया था। आपने तब भी इतनी ही मुखालफत की थी, लेकिन मैं फिर भी भोले को डॉक्टर के पास लेकर गया था। देख ले, 3-4 साल कितने आराम से गुजर गए। खुदा का वास्ता है भाभी जी, भोले का टिक कर इलाज होने दे। काहे को रोड़े अटकाऊंगी,
लेकिन तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते असल बात क्या है। नौला ठीक होने वाला नहीं, ये डॉक्टरों के बस की बात नहीं है, उसे बद्दुआ है। और वो उस वक्त तक ठीक नहीं होगा जब तक। भाभी जी, क्या हो गया है आपको? आप अब भी इस दौर में भी ऐसी बातों पे यकीन रखती हैं? आपकी बात का कौन यकीन करेगा? दुनिया आगे निकल गई और आप अभी भी उसी अकीदे पे कायम हैं। भाभी जी, बुलाइए ना भोले को, देर हो रही है और उसी की वजह से आज मैं काम पे भी नहीं गया। आगे दो दो, आजा भोले, आजा आजा। ठीक है बाबू जी, मैं हूँ ना साथ, मैं हूँ ना, आजा। चलो भोले। नूरबानो, जरा भोले का ख्याल रखियो, वहां कोई दंगा ना कर दे। आप फिक्र ना करें, मैं इसलिए साथ हूँ। क्या मतलब बाबू जी? क्या है? ये भी साथ जाएगी? अरे इसी की वजह से तो जाने पे राजी हुआ है निगोड़ मारा। भाभी जी, डॉक्टर पे जाना है, कोई सैरो तफरी करने नहीं जाना। मैं जानती हूँ चाचा जी, लेकिन मैं आपके साथ इसीलिए जा रही हूँ कि पहला कि ये रास्ते में आपको तंग ना करे, और दूसरा कि मैं डॉक्टर को ज्यादा तफसील से ज्यादा बेहतर तरीके से भोले की हालत के बारे में समझा सकती हूँ। मेरे साथ होता है पूरा दिन, मेरे सामने होता है, आपसे तो बस एक सरसरी सी मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। मर गई मैं, उफ। अगर आप कहती हैं तो गाड़ी वापस मोड़ लेता हूं मैं, चल के डॉक्टर से पूछते हैं दर्द क्यों बढ़ रहा है। अरे ना भाई ना, अल्लाह अल्लाह करके तो उस जिन्नाती ट्रैफिक से छुटकारा मिला, मां ट्रक पे ट्रक, बस पे बस चढ़ी हुई थी ना भाई ना। अरे फिर कोमल को कॉलेज से भी तो लेना है ना, तुम सीधा ही चलो। और वैसे भी किसे परवाह पड़ी है, दर्द है कि नहीं, कोई जिए कोई मरे। आप कोमल को फोन कर दें बाहर आ जाए, हम दो तीन मिनट में कॉलेज पहुंच जाएंगे। है तो वो खुद ना बाहर आ जाएगी, मुझे क्या पता, मैं तो खुद पहली बार जा रही हूँ उसके कॉलेज। चले कोई बात नहीं, वहां पहुंच के मैं उतर के देख लूंगा, शायद नजर आ जाएगी। अरे ना भाई ना, लड़कियां क्या कहेंगी, रोज तो अब्बा आते हैं, आज कौन जो ना। अरे मैं खुद ही मरती धरती उतरूंगी, जाऊंगी उसे ले आऊंगी। अरे मजाल है जो कोमल के अब्बा को जरा भी ख्याल हो। अरे ख्याल है तो बस उन लोगों का, उन लोगों के सुखा रंग का। आप खुद क्यों उतर के जाएंगे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कॉल कर दें उसे। अरे मियाँ, तुम्हें वक्त ही कितना हुआ हमसे वाकफियत रखे हुए,
अरे जानते जानते ही जानोगे, हमारे घरों में तो आज तक बहू बेटियों को इतनी छूट नहीं दी है कि हर वक्त मोबाइल फोन अपनी मुट्ठी में दबाए रखें। हाय मैं मर गई, आप भोले तेरा सत्यानाश, हाय मैं मर गई। अरे जरा आहिस्ता चलो जी। डॉक्टर ने कहा था ना मुझे आइसक्रीम खिलाओ, डॉक्टर ने कहा था मुझे आइसक्रीम खिलाओ, मुझे आइसक्रीम खिलाओ। आइसक्रीम अभी खाएंगे ठीक है, हम बाहर चल रहे हैं ना, आइसक्रीम खाएंगे। चाचा 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 मुझे आइसक्रीम खिलाओ ना चाचा। क्या बेहूद की है भोले, कुछ तो शर्म कर, बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो तुम। मुझे इधर इसलिए लेके आई हो ना कि ताकि मैं मुझे मेरी दवाई लेके दोगी, मेरा गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा। तो चाचा चाचा कटो ऐसे बिला वजह गुस्सा आटा रहता है, इनको भी दवाई लेके दो। बोले अभी हम बाहर जा रहे हैं ना, बाहर निकलेंगे तो आइसक्रीम खरीदेंगे ठीक है। मछलियाँ चाचा, मैं सोच रही हूँ कि हम लोग यहीं से दवाई ले लें, जितना जल्दी दवाई शुरू करवा देंगे उतना बेहतर होगा। मैं वापसी के लिए तो आऊंगा, अभी मुझे बहुत देर हो रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आपने मुझे कहा था कि भोले को बचपन से एक डॉक्टर देख रहा है पहले से, लेकिन ये तो कोई नया डॉक्टर था, हम पुराने वाले के पास क्यों नहीं गए, इसको तो सब कुछ नए सिरे से बताना पड़ा। मैं अस्पताल के मेडिकल स्टोर से दवा लेकर आता हूँ, तुम भोले को लेकर गाड़ी में बैठो। बस हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इमरान अशरफ, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड जबरदस्त कंटेंट।